हेलो स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस इन अ कोरिलेशन स्टडी द फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड। एक्स एंड वाई वेरिएबल का मीन गिवन है आपको 65, 67, स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5, 3.5, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.8। फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद द अबव वैल्यूज। आपको जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है इनसे बेस्ड आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। रिग्रेशन एनालिसिस का कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार इज 65, आर इक्वल्स टू 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इज 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन y इज 3.5 एंड y बार इक्वल्स टू 67। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द रिग्रेशन इक्वेशंस। माइनस x बार है आपका 65 इक्वल्स टू r, r गिवन है आपको 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन x है 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन y है 3.5। Now y minus y bar given है 67, dxy equals to r, standard deviation x, standard deviation y, r है हमारा 0.8, standard deviation x है 2.5 और standard deviation y है 3.5। इसको divide करके इसको multiply कर दिया हमने, value आ गई हमारी 0.5714। Now अब इसको हमें इस ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.5714 मल्टीप्लाई बाय वाई तो होगा हमारा 0.5714 वाई माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 38.28। जो ये एक्स वेरिएबल के साथ में 65 है, 65 को हमें इक्वल्स टू के दूसरी साइड ट्रांसफर करना है। इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 65, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 26.72। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स इक्वल्स टू 26.72 प्लस 0.5714 वाई। दिस इज योर एक्स और वाई रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। माइनस y बार इक्वल्स टू r, स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x, x माइनस x बार। दिस इज अवर फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करने का मेरा एक अलग से वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन। y बार इज 67, r इक्वल्स टू 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल्स टू 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल्स टू 2.5, x बार इज 65, b y x इक्वल्स टू क्या होता है r, स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन x, r है हमारा 0.8, 3.5 है स्टैंडर्ड डेविएशन y, 2.5 है स्टैंडर्ड डेविएशन x। इसको पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करना है, देयर आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू 1.12। इस 1.12 को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा, देयर आफ्टर वी विल गेट 1.12x माइनस 1.12 मल्टीप्लाई बाय 65, दैट इज माइनस 72.8। अब इधर ये y के साथ में माइनस 67 है, इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना होगा, तो भी हम इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे। ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 67, तो इसका एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारी वैल्यू आएगी माइनस 5.8 और प्लस 1.12x इक्वेशन। इस टाइम से आपने ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, आपको इसी पैटर्न वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी।
इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स ओनली आर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 रिग्रेशन इक्वेशंस आपको गिवन है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल्स टू 0 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214 फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन ये आपको 3 इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y and standard deviation of y. So first we will find out the mean x bar and y bar. The mean value of x and y, आपको दो equation given है, 8x minus 10y equals to minus 66, 40x minus 18y equals to 214. ये दो equations आपको given है, इसको हम solve करके x and y variables को find out करेंगे. इनको बैलेंस करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 40x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 50y इक्वल्स टू माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 330 ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214 अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर आ जाएगा हमारा माइनस का ये प्लस का और इधर माइनस का तो ये तो कट चुका है हमारा एक प्लस का माइनस का है और इधर हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 32y. नेक्स्ट ये भी माइनस तो ये दोनों डिजिट्स ऐड हो जाएंगी वैल्यू आएगी हमारी माइनस 544. नाउ y equals to minus 544 divided by minus 32 equals to क्या आ गया आपका 17 ये माइनस से माइनस कट हो गया इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारी 17 ये जो y आया है वो आया है हमारा y bar इक्वेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये देखिए ये y के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 17 तो 8x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल्स टू माइनस 66 इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले गए हैं वैल्यू आ गई 8x इक्वल्स टू माइनस 66 प्लस 170 इधर ये माइनस में था इधर गया तो ये हो गया प्लस में 170 इसका एडजस्टमेंट किया वैल्यू आ गई हमारी 104 तो x इक्वल्स टू क्या होगा 104 डिवाइडेड बाय 8 तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 13 ये जो x आया है वो ही हमारा x बार है हमने मीन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है नाउ वी विल फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होने चाहिए तभी हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को x ऑन y और दूसरी को y ऑन x अज्यूम करेंगे और तब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने माना है x ऑन y का फॉर्मूला होगा x माइनस x बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस y बार अब आपके पास ये चीजें गिवन है दैट इज 8x इक्वल्स टू माइनस 66 प्लस 10y ठीक है तो अब इसमें x इक्वल्स टू क्या आएगा x इक्वल्स टू आएगा आपका माइनस 66 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8y अब यहाँ पे हमें पता है जो y के साथ डिजिट आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं bxy तो हमारा bxy क्या हो गया इधर 10 बाय 8 नाउ सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या माना है y ऑन x तो अब हमें कैलकुलेट करना है bx इसका फॉर्मूला y माइनस y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार तो अब इधर
यहाँ पे हमने y कैलकुलेट किया है 214 डिवाइडेड बाय -18 -40x डिवाइडेड बाय 18। x के साथ में हमारी वैल्यू क्या है 40/18, तो ये हो गया हमारा bxy। नाउ वी विल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट bxy मल्टीप्लाई बाय bx, ठीक है। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2.22, तो ये आपका क्या आ रहा है 1 से ज्यादा आ रहा है। दैट मींस ये हमारी अजम्पशन गलत है। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन को x ऑन y माना था वो सही नहीं है, वो होनी चाहिए y ऑन x। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 8x इक्वल्स टू 10y -66, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, लेकिन हमें इसको क्या मानना है y ऑन x, तो इसलिए y की डिजिट्स को हम इधर ले आएंगे, -10y ये इधर आया है इसलिए माइनस में हो गया है, और ये इक्वल्स टू के साइड आएगा इसलिए माइनस में हो जाएगा, तो -10y इक्वल्स टू -x -66। तो y की वैल्यू में क्या आ जाएगा -8x डिवाइडेड बाय 10, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और इधर ये भी क्या होगा -66 डिवाइडेड बाय -10। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारी 6.6, प्लस में क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया है, इधर से भी माइनस से माइनस कट हो गया, तो bx इक्वल्स टू आ गया 8/10। इन इक्वेशन को हमने पहले माना था y ऑन x, अब हम इसको मानेंगे x ऑन y, तो x ऑन y के लिए क्या हो जाएगा 40x -18y इक्वल्स टू 214, ये हम इसको मानेंगे x ऑन y, तो x की डिजिट्स इधर ही रह जाएगी 40x इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा 18y प्लस में हो जाएगा प्लस 214, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 18 डिवाइडेड बाय 40y प्लस 214 डिवाइडेड बाय 40, तो y की क्या आ गई हमारी 18/40, ये हो गया bxy। नाउ वी विल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस bxy मल्टीप्लाई बाय bx, इधर है स्क्वायर रूट bxy हमारी 18/40 मल्टीप्लाई बाय bx है हमारा 8/10, इसको सॉल्व करेंगे 0.6, तो दैट इज r इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने वाला फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 or 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आप उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन y। आपको वेरिएंस गिवन था क्वेश्चन में, वेरिएंस इक्वल्स टू 9 था, स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस है आपका 9, तो वैल्यू आ गई आपकी 3, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x। अब आपके पास क्या क्या है, r आपको पता है डैट इज 0.6, और bxy आपने पहले कैलकुलेट किया था 0.45, और स्टैंडर्ड डेविएशन x आपको गिवन है डैट इज 3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन y। वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, bxy इज 0.45, r इज 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन x इज 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y, इसको ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन इधर डिवीजन में है वो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 0.45 स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल्स टू 1.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल्स टू क्या होगा 1.8 डिवाइडेड बाय 0.45, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स x
on the marks in accountancy, y is 3y minus 5x plus 180 equals to 0. The mean marks in accountancy is 44 and variance of marks in statistics is 1 by 16 of the variance of marks in accountancy. Find the mean marks in statistics and the coefficient of correlation between marks in the two subjects. यहाँ पे एक regression equation given है question में और x क्या है हमारा marks in statistics और marks in accountancy है हमारा y variable जिसमें हमें mean marks given है accountancy के that is 44 और variance भी given है आपको x and y variance given है आपको 9 by 16 you have to find out the mean marks of in statistics and coefficient of correlation between the marks of two subjects. We are given 3y minus 5x plus 180 equals to 0. X bar find out करना है आपको mean marks find out करने. Regression analysis का main meaning यही है कि अगर आपको एक variable की value पता है तो आप उससे दूसरे variable की value आप easily find out कर लेते हैं. देखिए इसमें ऐसा ही हुआ है आपको y की वैल्यू गिवन है 44 y की जगह पे आपने वैल्यू लिख दी है 44 3 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी 5x 3 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 180 इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी आपकी 5x इक्वल्स टू 132 प्लस 180 तो x इक्वल्स टू 312 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 62.4 हेंस द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स आर 62.4 जो आपके मीन मार्क्स हैं वो क्या है 62.4 हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया नेक्स्ट फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ correlation for calculating coefficient of correlation we know bxy equals to r standard deviation x standard deviation y standard deviation equals to square root variance ये आपका formula होता है तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया square root 9 और square root 16 कर दिया है यहाँ पे क्योंकि आपको variance equals to 9 x का given है और वेरिएंस आपको 16y का गिवन है तो इनके स्क्वायर रूट निकाल के आपने क्या निकाल ली है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली है यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y आपने लिख दिया है इसमें ये जो हमें इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में 5x इक्वल्स टू 3y प्लस 180 इस इक्वेशन से हमें बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 5 तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 0.6y बी एक्स वाई क्या आ गया आपका 0.6 इधर आ गया अब इस फॉर्मूले में हमें जो जो चीजें गिवन है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे bxy है हमारा 0.6 r मिसिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन ये है 9 और ये है 16 इसको सॉल्व करेंगे 0.6 इक्वल्स टू r 3 डिवाइडेड बाय 4 अब ये इधर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू r इक्वल्स टू आ जाएगा 0.8